फफूंदी जनित रोगों में दूसरा नाम है ब्राउन स्पॉट या धान का भूरी चित्ती रोग। इस रोग के लक्षण मई से जुलाई माह में धान में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस बीमारी के कुप्रभाव से धान की बालियों से निकलने वाले दाने सिकुड़ जाते हैं, जिससे उनका बाजार मूल्य घट जाता है। दरअसल फसल में समयानुसार उर्वरकों का छिड़काव नहीं किए जाने के कारण धान में ये रोग लग जाता है। किसान भाइयों, अगर आपने इस रोग का निदान नहीं किया तो धान की पैदावार 50 से 60 फीसदी तक प्रभावित हो सकती है। खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई पड़े तो ऐसे में फफूंदनाशक दवा मैनकोजेब और कार्बेंडाजीम का मिश्रण, जो बाजार में कई नामों से उपलब्ध है, उसकी 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकतानुसार छिड़काव करना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले पर्ण अंगमारी रोग के विषय में। एक अन्य फफूंद जनित रोग जिसे शीट ब्लाइट या पर्ण अंगमारी कहते हैं, पौधों की 30 या 35 दिनों के बाद ही धान की फसल को प्रभावित करने लगती है। ये बीमारी खेत में पानी के अधिक भराव के कारण होता है। खासतौर पर ये बीमारी खेत के जल स्तर से 30 सेंटीमीटर ऊपर से दिखाई देती है। इस रोग के लगने से पत्तियों पर पतली पतली लंबी भूरी रंग या पुआल के रंग की धारियां बनती है और फिर धीरे धीरे पत्तियों के सिरे में सुखाव शुरू होता है। इस रोग के अधिक प्रकोप होने के कारण पूरा पौधा सूखकर पुआल जैसा हो सकता है। खड़ी फसल में इस बीमारी के नियंत्रण के लिए वेलिडामाइसिन 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना चाहिए। अब जानते हैं धान में लगने वाले धान कंडवा या फॉल्स मट रोग के विषय में। ये रोग अच्छी बारिश होने पर धान की बालियों को प्रभावित करता है। आमतौर पर हाइब्रिड किस्मों में इस रोग की अधिकता होती है। शुरुआत में पीले हरे रंग के गोल गोल मखमली लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रोग की उग्र अवस्था में ये काले हो जाते हैं। इस प्रकार पूरी बालियां रोग से प्रभावित होती नजर आती हैं। इस रोग से बचाव के लिए प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पुष्पण के पहले या गभ्भा निकलने के पहले छिड़काव किया जाना चाहिए।